नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार पुनः आपके सामने पराक्रम की संरचना टेपिका और युक्तिकाय जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तीन मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पराक्रम की संरचना, टेपिका के कार्य और युक्तिकाय क्या होता है। पार्ट नंबर दो जो है आपकी बुक का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं पराक्रम की संरचना। परागकण वैसे तो गोलाकार होते हैं, इनकी आकृति गोलाकार होती है, लेकिन कभी कभी इनकी आकृति अंडाकार भी हो सकती है, पंचभुज भी हो सकती है और षटभुज भी हो सकती है, मतलब बहुभुजाकार भी हो सकते हैं। मूल रूप से तो ये गोलाकार होते हैं, लेकिन इनकी आकृति बहुभुजाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है। परागकणों का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य के दो प्रकार की भित्तियाँ होती हैं। एक बाहरी भित्ति जिसको हम बाह्य छोर कहते हैं, और एक होती है अंदर की भित्ति, मतलब भीतरी भित्ति, जिसको हम अंतस्थ छोर कहा जाता है। बाहरी भित्ति जिसको हम बाह्य छोर कहते हैं, उसके ऊपर स्पोर और पोलिनिन की परत जमी हुई रहती है, जिसके कारण बाह्य भित्ति जो होती है वह खुरदरी और मोटी होती है। परीक्षा में छोटा प्रश्न आ सकता है कि भाई पराग कण की बाह्य चोल की जो भित्ति होती है वह खुरदरी और मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर स्पोर और पोलेनिन की परत चढ़ी हुई रहती है। बाह्य चोल जो होता है, यह परत पराग कण को प्रतिरोधी बनाने का कार्य करती है, जबकि जो अंतिस चोल जो होता है वह पतला और कोमल होता है। बाह्य चोल खुरदरा और मोटा होता है, क्योंकि बाह्य चोल के ऊपर स्पोर पोलेनिन की परत होती है, जबकि अंत चोल पतला और कोमल होता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल्युलोज और पेक्टिन की परत चढ़ी हुई रहती है। पराग कण का जो बाह्य चोल होता है, जो बाहरी जो भित्ति होती है, उस भित्ति में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को जनन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पराग कण की संरचना होती है कि दो भित्तियाँ होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी भित्ति को हम बाह्य चोल कहते हैं, यह खुरदरी और मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाहरी भित्ति पर स्पोर और पोलिनिन की परत चढ़ी होती है। अंदर की भित्ति पतली और कोमल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर सेल्युलोज और पेक्टिन की परत चढ़ी हुई रहती है। और बाह्य चोर पर जो छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। तो ये थी पराग कण की संरचना। अगला प्रश्न आता है, टेपिटम के क्या कार्य होते हैं? तो टेपिटम के कार्य, पहला कार्य होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक अम्ल, यह एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन होता है। तो इंडोल एसिटिक अम्ल और एंजाइम का स्त्रवण करता है। टेपिटम जो होता है वह IAA और एंजाइम का स्त्रवण करने का कार्य करता है, जो पादपों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? यह वृद्धि हार्मोन होता है, और इस वृद्धि हार्मोन के कारण ही पादपों की जो प्रारंभिक वृद्धि होती है वो इसके कारण ही होती है। अगला इसका कार्य होता है पोषण उपलब्ध कराना। जो मातृ कोशिकाएं होती है, जो बीजाणुजन कोशिकाएं होती है पादप की, उन बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराने का कार्य भी कौन करता है? टेपिटम। तो कितने कार्य हो गए इसके? तीन। एक तो वृद्धि हार्मोन IAA का स्त्रवण करता है, जिससे पादपों की वृद्धि होती है। एक एंजाइम का स्त्रवण करता है, यह भी पादपों की वृद्धि और उनकी क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा, जो बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे उन बीजाणुजन कोशिकाओं का विकास होता है। अगला पॉइंट आता है पराग कणों को प्रोटीन स्त्रवण करता है। पराग कण जो होते हैं, उन पराग कणों के लिए टेपिटम प्रोटीन के स्त्रवण करने का कार्य भी करता है। और अंतिम जो इसका कार्य होता है, प्रौबिष्काय उत्पन्न करना। ये प्रौबिष्काय जो होता है वही स्पोर पोलिनिन का स्त्रवण करता है। ध्यान रखना, प्रौबिष्काय जो होता है, यह प्रौबिष्काय स्पोर पोलिनिन का स्त्रवण करता है,
और जब इस प्रोबिस काय पर स्पोरोपोलिनिन की परत जम जाती है तो यह युविश काय में परिवर्तित हो जाता है। तो अपना अगला पॉइंट भी इसी से क्लियर हो जाता है कि युविश काय क्या होता है। युविश काय का मतलब होता है प्रोबिस काय के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की परत का जमना। ध्यान रखना, युविश काय क्या होता है, प्रोबिस काय के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की परत का जमना युविश काय कहलाता है। ये जो संरचनाएं होती है यह एक प्रकार से गोलाकार और अंडाकार संरचनाएं हो सकती है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। आप इसको रिविज़न करें और आप इसको देखें। थैंक यू वेरी मच।